आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा कमेटी मुरादाबाद के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के शुभारंभ से पूर्व हवन पूजन किया गया एवं भगवान कृष्ण की पालकी का पूजन मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, विशेष अतिथि आकाश पाल सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा, संजय शर्मा महानगर अध्यक्ष भाजपा, डॉक्टर विवेक गोयल संयोजक भाजपा एवं डॉक्टर संजीव यादव राष्ट्रीय सचिव अपना दल SK द्वारा विधि विधान से पालकी पूजन कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। पालकी पूजन पंडित श्री इंद्र मोहन शर्मा के द्वारा कराया गया। शोभा यात्रा में मेरठ, रामपुर, दिल्ली, हापुड़ और मुरादाबाद के कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गईं एवं शहर मुरादाबाद के कई प्रसिद्ध बैंडों के द्वारा शोभा यात्रा को शोभायमान कर दिया। शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि यह शोभा यात्रा पिछले लगभग 60 वर्षों से निरंतर निकाली जा रही है। कमेटी के महासचिव तारा चंद्र के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्य शहरों से बुलाए गए प्रसिद्ध कलाकारों, ढोल नगाड़े एवं बैंडों के द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और अनेकों स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में उपस्थित रहे प्रेमनाथ यादव, पंकज यादव, हेमंत यादव, संजीव यादव, महेश यादव, योगेंद्र यादव, जगदीश यादव, योगेश यादव, सुखदेव यादव, श्याम यादव, अशोक यादव, ज्ञान यादव, पवन यादव, नितिन यादव, धैर्य प्रकाश यादव, हर्ष यादव, कांता प्रसाद यादव, राजकुमार यादव, विजय यादव, जय प्रकाश यादव, सुधाकर यादव, सौरभ यादव, सुनील यादव, कुबेर यादव, मनीष यादव, खूब सिंह यादव, रमेश यादव, सत्य प्रकाश यादव, संदीप यादव, अनिल यादव, सुमित यादव, अमित यादव, अनुज यादव, विशाल यादव, दिलीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम पंकज यादव, वार्ड 32 से पार्षद हूँ। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा का आयोजन है जो लगभग 40-45 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। ये बालेश्वर मंदिर से होते हुए है, यादव रामचंद्र से निकलती है और घुरट्टी, पुनाल, गोदवाली क्षेत्र से घूमते हुए फिर समापन यही हो जाता है। ऐसे क्या है, समाज के लिए एक प्रथा जो चलती आ रही है उसे बढ़ाना और धर्म के कार्य में आगे रहना। इसमें लगभग है 17-18 झांकियां, सब कुछ यहीं का है। कुछ हमारे यहाँ ब्रजपाल सिंह यादव जी उपस्थित हैं जो कि बाल बजाना चाह रहे हैं आकाश विद्यापीठ के, वो मुख्य यजमान है जो आज पूजा में बैठे हुए हैं। इस बात से संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे श्री कृष्ण भगवान प्रेम भाव से रहे, दुनिया को भी यही सोचना चाहिए कि इसी प्रकार से प्रेम भाव से रहना चाहिए। यादव है, नई श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा समिति का संयोजक हूँ और ये हमारी करीब लगभग 45 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है हमारे पूर्वजों के द्वारा। उसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो युवा पीढ़ी है इसमें शामिल हुई है और इस प्रथा को आगे बढ़ाया है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में सनातन धर्म के प्रति रुचि पैदा करने के लिए ये प्रथा आपने अपने समाज के द्वारा बरकरार रखी है ताकि बच्चों में, हमारी पीढ़ी में सनातन धर्म के प्रति सजगता रहे। ये लगभग 45-50 वर्ष के आसपास हो गए, लगातार ये हमारे निर्बाध रूप से चल रही है। समाज के लिए संदेश ये है कि सब लोग हमारे सनातन धर्म से जुड़े, हमारी शोभा यात्रा समिति से जुड़े और सभी लोगों से यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारी विश्व की धरोहर है, सारे विश्व में इनकी पूजा की जाती है, उसी उद्देश्य को लेकर हम भगवान श्री कृष्ण की यहाँ शोभा यात्रा निकालते हैं।